हेलो लिब्रास, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। और ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2022। और ये जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सब उन मैसेजेस को कंसीडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर 2022 में। ओके, सैलरी क्रॉस का स्प्रेड होगा। और द मैसेजेस फॉर लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। ओके, और द मैसेजेस फॉर लिब्रास फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2022। एंड अंडरनीथ आपके पास है जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो देखते हैं कि अदर मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्स, हाई प्रिस्टेस, हर्मेट, टेन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो लिब्रास, ये आपके कार्ड्स हैं। और अंडरनीथ में जो आपके कार्ड्स हैं, जस्टिस, नाइन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में। बैलेंस आपने अपने आप को किया हुआ है ख़ुद, लेकिन कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट भी हैं किसी चीज़ के लिए। लाइक आपकी जो डेस्परेट एनर्जी है वो कहीं ना कहीं दब चुकी है, और अब आप अपने आप को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, बैलेंस लाना सीख रहे हैं ज़िंदगी में, चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे कुछ बातें हैं जो अभी अनस्पोकन है, लाइक कही नहीं है, लेकिन आप कहना चाहते हैं और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं। लाइक यहाँ पे ये इमेज ऑफ कम्युनिकेशन को भी शो करता है। लाइक आपकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी इतनी ज़्यादा नहीं है। लाइक आपने अपने लिए डिमांड्स करी थोड़ी सी कम कर दी हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपने जो डिमांडिंग आपकी अप्रोच हुआ करती थी अपने पार्टनर की तरफ या किसी के भी लिए, वो आपने थोड़ी सी कम कर दी है। और आपने अपने आप को बैलेंस रखना, इमोशनली कंट्रोल रखना आप सीख रहे हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में। सो या तो आप अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा बिजी हैं और जस्ट मूव ऑन करें, जैसे लाइफ चल रही है वैसे आप मूव ऑन करें मंथ ऑफ नवंबर में, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। स्टार्ट ऑफ द मंथ में आप ट्रैवल कर रहे हैं और साथ साथ आपने अपने आप को बिज़ी भी रखा हुआ है। लाइक अगर किसी चीज़ में आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत है, चीज़ों को बेहतर बनाने की, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अपनी सेल्फ को बेहतर बनाने के लिए आप हार्ड वर्क करें, या फिर अगर आप अपने आप को बिज़ी रख कर अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए एक पॉइंट हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये सिचुएशन हो सकती है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हुए अपनी लाइफ में, जो भी आपका रोज़ाना का काम होता है उसमें आप अपने आप को बिज़ी रख कर जस्ट मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है, कंट्रोल ना करो। तो यहाँ पर आपको एक विक्ट्री भी मिल रही है इस सिचुएशन में। लाइक पहले आप अगर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हुआ करते थे तो उसमें आपको इतनी सक्सेस नज़र नहीं आती थी, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ के पीछे पड़े रहेंगे तो वो आपके पास नहीं आएगी। अगर आप उसको छोड़ देंगे, उसके हाल पे छोड़ देंगे, तो आपको फिर वो मिलने लगती है। तो यहाँ पर यही सिचुएशन आपके लिए है कि आपने जस्ट अपने वर्क पे ध्यान दिया हुआ है, जस्ट आप मूव ऑन करें अपनी लाइफ में, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, और नॉट मोर डिमांडिंग। बट यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन में भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट आया। अगर आप डिमांडिंग नहीं हैं तो आपकी कम्युनिकेशन भी थोड़ी जो है वो कम हो रही है।
एज़ कम्पेयर टू बिफोर, लाइक जैसे पहले हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर कुछ है क्लैरिफिकेशन चाहिए, आपको क्लैरिफिकेशन भी चाहिए, लेकिन आप इतने डिमांडिंग नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, जैसे मैंने कहा कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ अपने आप पे आप फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, अपनी लाइक अपने फाइनेंसेस पे भी वर्कआउट कर रहे हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली भी, तो यहाँ पर बट यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो है आपके लिए चैलेंज क्या है, आपने अपने आप को इतना कंट्रोल तो कर लिया है, लेकिन आपके लिए अभी भी एक चीज़ चैलेंज है, वो है कि वो वक्त आ क्यों नहीं रहा जिसका आप बहुत अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं, लाइक जिस चीज़ की आपने डिमांड की थी, चाहे आपने यूनिवर्स से की थी, चाहे अपने पार्टनर से की थी, किसी से भी की थी, तो वो चीज़ आप पास आ क्यों नहीं रही, वो वक्त आ नहीं रहा, तो यहाँ पर अभी थोड़े से डिलेज हैं, इसीलिए आपने अपने आप को जो है कंट्रोल किया है अपने ऊपर, वर्कआउट कर रहे हैं आप अपने सेल्फ, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप सिर्फ अपनी लाइफ में बिजी हैं। यहाँ पे एक पर्सन जो है जैसे सिंगल है, चाहे आप अपने रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, अगर आपका ब्रेकअप भी हुआ हुआ है तो आप जस्ट अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, और अगर आपका ब्रेकअप नहीं भी हुआ हुआ तो अगर आप अपने पार्टनर के साथ हैं भी, तब भी आप अपने पार्टनर से इतने डिमांडिंग नहीं हो रहे हैं, आपने सोचा है, आपने ये डिसाइड किया है कि जो भी करना है आपको ख़ुद अपने लिए करना है, अब अपने पार्टनर पे इतना बर्डन नहीं डालना चाहते, अगर आप उससे कमिटमेंट मांग रहे थे तो आप अब बिल्कुल भी नहीं मांगते कमिटमेंट, या मंथ ऑफ नवंबर में आपकी ये एनर्जी रह सकती है कि आप जस्ट डिमांडिंग नहीं हो रहे, तो इसका आपको एक रिवॉर्ड भी मिलने लगेगा इन मंथ ऑफ नवंबर में, आप देखेंगे, आप देखेंगे कि इसका आपको एक रिवॉर्ड मिलने लगेगा, जो भी आपने किया है, जो भी आप जिस चीज़ पे भी चल रहे हैं, हो सकता है मंथ के स्टार्ट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं आप, चाहे अपने पार्टनर के साथ, चाहे आप अलोन ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कुछ टाइम अलोन लेना चाहते हैं, लाइक आपने ट्रैवल किया, अपने पार्टनर से आप दूर गए और कुछ टाइम आप ट्रैवल कर रहे हैं अलोन, ओके, सो यहाँ पर चैलेंज है कि आपका वक्त जो है वो थोड़ा मुश्किल होगा आपको अकेले काटना, लेकिन फिर भी आप ये लेंगे, जैसे कि आप ये इस हर्मिट कार्ड है, तो आप अपने आप में आइसोलेट होकर रहना चाहते हैं कुछ टाइम, चाहे आप ट्रैवल करके किसी पीसफुल प्लेस पे चले जाएँ, तो वहाँ पे आप आइसोलेट करके होकर रहना चाहते हैं, पर आपके जो पार्टनर हैं या आपके सराउंडिंग्स की जो एनर्जीज़ हैं वो भी थोड़ी हैवी फील हो सकती हैं आपको, लाइक लोग आपके बारे में लाइक आप देखेंगे कि अगर आप इतने डिमांडिंग नहीं हो रहे हैं किसी से भी, तो आपके पार्टनर या आप जिससे भी डिमांड कर रहे थे वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ करने लग जाएंगे, लाइक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ठीक है, जब वो ये देखेंगे कि आप जस्ट अपने मी टाइम में हैं, आप जस्ट आइसोलेट हुए हुए हैं, आप जस्ट अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपने डिमांड करनी बंद कर दी है, तो जस्ट ये आपको एक बेनिफिट दे रहा है, जैसे मैंने कहा कि बेनिफिट मिल रहा है आपको इसका, आपके पार्टनर जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने लगेंगे, और लाइक यूनिवर्स आपको लाइक एक ये एडवाइस दे रही है कि आपको इतना डिसअपॉइंटमेंट में नहीं जाना चाहिए, लाइक अगर आप अपने सेल्फ पे रियल कर भी रहे हैं तो अपने इतनी डिसअपॉइंटमेंट में मत जाएं कि आपको फिर उसका डिप्रेशन होने लगे, तो यहाँ पर आपको मेडिटेट करनी है, लाइक आप एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पर्सन बन जाएंगे इन द एंड ऑफ द मंथ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं, आपके अंदर मुझे लगता है कि कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली सिचुएशन भी है, कि आप अपने आप को अलग करके स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, नॉलेज गेन हो रही है मेडिटेशन से, या फिर कुछ मिस्टीरियस है, आप इतने मिस्टीरियस हो जाएंगे कि आपके पार्टनर जो या तो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, या फिर आप ख़ुद अपने पार्टनर के साथ आपकी कम्युनिकेशन बेटर हो सकती है, हो सकता है पहले आप इतने डिमांडिंग नहीं थे, लेकिन अब अगर आप जो डिमांड करेंगे लाइक आपकी इस अप्रोच की तरफ, जो भी अप्रोच आपने अपनाई हुई है, इसके बाद से अगर आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो आप इतने मिस्टीरियस हो जाएंगे कि इस बार अगर आप जब डिमांड करेंगे
तो हो सकता है कि वो इस बार आपके पार्टनर जो है उसको कंसीडर करें, ठीक है। लाइक हो सकता है पहले आप जो डिमांड करते थे वो थोड़ी सी इमेच्योर होती थी, लेकिन अब जो डिमांड आपकी होगी थोड़ी मेच्योर होगी, सिचुएशन के हिसाब से होगी। लाइक आप सिचुएशन को समझते हुए ही अपने पार्टनर के सामने वो डिमांड्स रखेंगे जिनको वो फुलफ़िल कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग ऐसी है, अभी आपके पार्टनर शायद वो चीज़ नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। तो आपको इस बात को रियलाइज़ करना है, ये रियलाइजेशन आपको हो रही है, ठीक है। इसलिए आप इतने डिमांडिंग अपने पार्टनर को नहीं की तरफ नहीं हो रहे, लेकिन आप वो डिमांड करेंगे जो इस वक्त आपके पार्टनर आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो या आप इस वक्त, या फिर अगर आप पहले जो डिमांड करते थे अब अगर वो करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। जैसे मैंने कहा कि आप इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दें, अपने पार्टनर से आप इतनी डिमांड्स मत करें जो वो नहीं कर सकते, वो डिमांड अभी मत करें। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं चाहते, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हो सकता है अभी वो ये सब नहीं कर सकते, अभी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, उनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो आपको भी इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, जस्ट कंट्रोल योर सेल्फ एंड उनको समझने की कोशिश करें। और यस, फॉरगिवनेस, आपको फॉरगिव करना चाहिए। लाइक आपके पार्टनर अगर अभी इस वक्त में आपके लिए ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो फॉरगिव कर दें, कंट्रोल मत करें, फॉरगिव कर दें। और अपनी कम्युनिकेशन आपकी बेहतर बना बना देंगे आप, अगर पहले कम्युनिकेशन बेटर नहीं थी आपके अपने पार्टनर से, तो हो सकता है पहले आप अपनी अपनी इतनी अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या पहले भी आपने जस्ट अपनी रिलेशनशिप पर ही डिमांड्स की थी, लाइक अपने रिलेशनशिप के हवाले से डिमांड्स की थी, तो हो सकता है उस वक्त वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हों और अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब जस्ट और आपने कम्युनिकेशन बंद कर दियो, तो अब आप रियलाइज़ करें कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और आप अपने कम्युनिकेशन ओपन कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ। कॉन्फिडेंस इज़ द की, इज़ योर की टू सक्सेस। लाइक आपको कॉन्फिडेंट होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट होना है कि क्या आपको क्या करना है इस सिचुएशन में आगे। तो ये सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दिलाएंगी। लाइक आप जस्ट कॉन्फिडेंट होंगे अपने ऊपर, अपने आप पे रिलाई करेंगे, जस्ट अपने आप पे, किसी पे भी नहीं, सिर्फ अपने आप पे, तो आपको एक कॉन्फिडेंट आएगा और आप अकेले भी बहुत सी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे अपनी लाइफ की। वट डू यू नीड टू रिलीज, या आपको क्या रिलीज़ करना है? वो डिसअपॉइंटमेंट्स जो आपको हुई हैं, ये आपके लिए यूनिवर्स की जो है एडवाइस है कि लाइक आप उस चीज़ को रिलीज़ कर दें, छोड़ दें, चीज़ों को अपने हाथ में लेने की या कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, जस्ट रिलीज़, पुट इट ऑन यूनिवर्स, इसको यूनिवर्स पे छोड़ दें कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। जब आपको कमिटमेंट मिलनी होगी, जब डिवाइन टाइमिंग होगी, तब आपको कमिटमेंट भी मिल जाएगी और अपने पार्टनर का साथ भी मिल जाएगा। तो जस्ट बी इट, लेट इट बी एज इट इज़, ओके। सो दैट वॉज योर रीडिंग। इफ़ इट्स रेजोनेट्स यू, प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।